नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनप्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैनाकोट इंजेक्शन के बारे में। कैनाकोट मतलब ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। इसमें जो ड्रग सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रीएमसिनोलोन एंड एसिटोनामाइड इंजेक्शन। इसका ड्रग सॉल्ट ये प्रेजेंट होता है और इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है कैनाकोट। और ये जो एक स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है ये उन पर्संस को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। एक डिजीज कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है जिसको नाम दिया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं अपने बॉडी के, जैसे नी जॉइंट्स हो गया या फिर एल्बो जॉइंट्स हो गए, ज़्यादा तो लेग्स के जॉइंट्स को इफेक्ट करती है जो डिजीज होती है। उस जॉइंट्स पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। उस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लामेशन होने के कारण वो जो जॉइंट्स होते हैं उस पे इन्फ्लामेशन मतलब बहुत तेज दर्द होने लग जाएगा और वहाँ पे पेन प्रेजेंट होगा, स्वेलिंग सूजन आ जाएगी, रेडनेस होगा वहाँ पे। और मूवमेंट्स है जैसे चलना, घूमना, फिरना या फिर मूवमेंट को इंक्रीज करना, तो ये मूवमेंट है ये कम होने लग जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। ज़्यादातर ये ओल्डर एजेस में इफेक्ट करती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा अगर कोई किसी के एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से जलन हो रही है या फिर इसको इचिंग मतलब खुजली हो रही है, रेडनेस स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये कैनाकोट इंजेक्शन काम में लिया जाता है। दोस्तों ये जो कैनाकोट इंजेक्शन होता है ये अपने शरीर में उन केमिकल मैसेंजर्स को जाके ब्लॉक कर देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने शरीर में पेन करवाने के लिए, स्वेलिंग करवाने के लिए, रेडनेस करवाने के लिए। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर में इफेक्ट शो करता है। दोस्तों इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं, साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे हेडेक, सर में दर्द होना, वेट लॉस मतलब वजन कम होना, इसके अलावा टायर्डनेस, वीकनेस, थकान महसूस होना, और कभी कभी जो पेन होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट से देखे जाते हैं। ध्यान रखें, अगर कोई पर्सन है जिसके पहले किडनी फेलियर की शिकायत है, लीवर फेलियर की शिकायत है, या फिर किसी के कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानी से काम में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस इसके यूज़ में लेने चाहिए। दोस्तों दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें। कुछ पर्सन्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो कैनाकोट इंजेक्शन को काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में पूरी बॉडी रेडनेस होने लग जाती है, पूरी बॉडी में इचिंग खुजली चलने लग जाती है, आंखों से आंसू आना, नाक से पानी बहना, बार बार स्नीजिंग, छींके आना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है उनको ये जो कैनाकोट इंजेक्शन है उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो इस इंजेक्शन को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।